पूर्वी दिल्ली थाना दयालपुर अंतर्गत चांद बाग वजीर बाग रोड में लैपटॉप व ई रिक्शा की बैटरी बनाने वाली अवैध फैक्ट्री में शनिवार को भीषण आग लग गई। आग में जलकर एक महिला की मौत हो गई है। महिला की पहचान माया पत्नी गोविंद राम निवासी B350 गोकलपुरी दिल्ली जिनकी उम्र 30 वर्ष के रूप में बताई जा रही है। वह बेसमेंट बाथरूम में मिली। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GTB अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। दयालपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात सामने आई है। उस समय फैक्ट्री में धुएं की वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, कैजुअलिटी नजर नहीं आ पाई। वहीं दमकल ने बताया कि शनिवार दोपहर 3:15 पर भजनपुरा में मजार के पास वजीराबाद रोड को 2 मंजिला मकान के बेसमेंट में आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। कर्मचारियों ने किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचा ली थी। वहीं बैटरी बनाने की फैक्ट्री होने की वजह से आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद 3 घंटे के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद फैक्ट्री में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रात के समय शौचालय के पास महिला की जली हुई हालत में शव को बरामद कर लिया गया। आशंका है कि हादसे के वक्त महिला शौचालय गई थी और आग बढ़ने की वजह से वह फैक्ट्री से बाहर नहीं निकल सकी। मृतक माया गरीब परिवार से है और मजदूरी कर अपने जैसे तैसे अपना घर चला रही थी। अपने 2 बच्चों का वह पेट भरती थी। बता दें कि उनका पति भी मजदूरी ही करते हैं। जी सर, मेरा नाम गोविंदा है, जिसका नाम हमारी माया है जी। वो चांद बाग में काम करती थी जी, और वो कल वहाँ पे आग वाग लगी है 4:15 करीब, और वो अपने घर नहीं आई है। और मुझे एक लेडीज ने फोन भी करा है कि आपकी बीवी कहाँ है, कहाँ नहीं है, आकर के देख लो, यहाँ पर नहीं है, मिल नहीं रही है। ठीक है जी, मैं गया सर देखने, तो मुझे पुलिस वालों ने धक्का वक्का मारा, डराया भी, कहते यहाँ क्लेम लेने आया है, कौन है तू, क्या है, मेरी कोई यहाँ बीवी नहीं, जाए। जानकारी क्या मिली आपके पास, किसका फोन आया और क्या बताया उन्होंने? सर एक लेडीज थी, वो हमारी मिसिस को जानती थी, उसी ने हमारे पास करा फोन कि जी आपकी घरवाली यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा आग फैल रही है, हम तो सब आगे बाहर, आपकी मिसिस का कुछ पता नहीं है, आकर के देख लो। सर मैं जिस टाइम में गया था, पुलिस वालों ने मुझे धक्का वक्का मारा, अंदर मुझे जाने नहीं दिया, मैंने कुछ पूछताछ भी करी, कुछ नहीं बताया मुझे। क्या नाम था आपकी वाइफ का? माया नाम था सर। कितनी उम्र थी? 28-30 साल। क्या काम करती थी वहाँ पे फैक्ट्री में वो? सर इतना मुझे नहीं पता, लेकिन वो फैक्ट्री थी, वहाँ पे कुछ बनते थे चार्जर बनते थे या पता नहीं क्या था, वो लंबा था, वो चीज़ बनती थी सर। अच्छा, ये काम था कुछ। ठीक है सर, और पता नहीं मालिक से कुछ कहा सुनी हुई। आपने देखा अपनी वाइफ को अब देखा इस समय? हाँ जी मैंने देखा जी, पूरी जल चुकी है, कुछ नहीं है सर उसमें जी। तो मालिक से आपसे कोई बात हुई जिसके यहाँ काम करती थी, उन्होंने कुछ कहा आपसे, बातचीत हुई कुछ? नहीं सर मेरी कोई बात नहीं हुई, इसने फोन भी बंद कर रखा और वहाँ से फरार है। आप चाहते हो आप इंसाफ मिले आपको? हाँ जी हमें इंसाफ मिले सर, गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं सर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि दालमिया की रिपोर्ट।